आगामी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु उत्तराखंड राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक श्रीमती अमनदीप कौर, अपर सचिव स्वास्थ्य एवं अपर मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की अध्यक्षता में NHM सभागार देहरादून में आयोजित की गई। बैठक में अगस्त 2023 में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति तय की गई, जिसमें कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में 1 से 19 साल तक के 38.36 लाख बच्चों और किशोरों को 22 अगस्त 2023 और किसी कारणवश कृमिनाशक दवा खाने से वंचित रह गए बच्चों को मॉपअप दिवस 29 अगस्त 2023 को एल्वेडा जूल दवा प्रशिक्षित शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलाई जाएगी। अपर सचिव स्वास्थ्य एवं अपर मिशन निदेशक NHM श्रीमती अमनदीप कौर द्वारा बताया गया कि कृमि संक्रमण और उससे संबंधित रोगों की रोकथाम के लिए किया जाता है। इस कार्यक्रम में 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों और किशोरों को स्कूल, तकनीकी संस्थानों और आंगनबाड़ी एवं शहरी स्वास्थ्य पोस्ट के माध्यम से अगम्य और मलिन बस्तियों क्षेत्रों अभियान चलाकर डिवर्मिंग दवा खिलाकर कृमि मुक्ति मुक्त किया जाता है। अपर सचिव स्वास्थ्य ने राज्य के सभी अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि राज्य के सभी बच्चों को कृमि मुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम में अब तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के 14 राउंड किए जा चुके हैं। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नवोदय विद्यालय समिति, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पेयजल विभाग उत्तराखंड, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड, स्वच्छ भारत मिशन, आउटरीच ब्यूरो, श्रम विभाग, पंचायती राज विभाग सहित एविडेंस एक्शन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।